सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आज हल्की सी धूप लगी हुई है 2-3 दिन के बाद। और अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ तो बाकी मैं चलती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ना बर्फबारी हो रखी है लेकिन अभी कोहरा लगा हुआ है जिसके कारण साफ नहीं दिखाई दे रही हैं बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। अपने गांव से नीचे आ गई हूँ मैं और मेरा गांव ऊपर रह गया है। जो वो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ मेरा गांव है और मैं अपने गांव से बहुत नीचे आ गई हूँ। मेरे हाथ पे है कुड़जू का फूल। कुड़जू एक प्रकार की घास होती है और उस पर फूल खिलने लगे हैं क्योंकि फूल देई त्यौहार आने वाला है। हम लोग इस फूल को भी फ्यूली के फूलों के साथ मिक्स करते थे। ये पूरा कंडारा गांव है और यहाँ पर है माँ राजराजेश्वरी का मंदिर जहाँ पर हमारा स्कूल है, इंटर कॉलेज कंडारा है। और ऊपर की साइड आप लोग देखिए बर्फबारी हो रखी है और काफ़ी सुहावना नज़ारा, सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनमें बहुत अधिक बर्फबारी हो रखी है और धूप लगने के बाद तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं। कॉलेज से मैं आ गई हूँ और बॉबी मेरे साथ है। बॉबी कंप्यूटर जाता है और दौला रोड में हम लोग रुके हुए थे तो अभी चाचा जी के ट्रक में हम लोग यहाँ से घर की ओर जाएंगे। यहाँ पर रोड इतनी ख़राब है क्या ही बोले, जब भी बारिश आती है तो यहाँ पर ज़रूर टूटता है। फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ और अब जल्दी से हाथ मुँह धोती हूँ और खाना खाती हूँ क्योंकि भूख भी लग गई है। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। अभी मैं गौशाला आ रखी हूँ और गौशाला के कामकाज मैंने निपटा दिए हैं तो अभी पानी के लिए आ रखी हूँ गौशाला की डिग्गी पर। और कल रात को ना हमारा जो भीमल का पेड़ था ऊपर वाली गौशाला पर, ये पूरी जड़ से उखड़ा और यहाँ देखिए बहुत सारे पत्थर भी, बड़े बड़े पत्थर भी गिर रखे हैं। हमने इस भीमल के पेड़ पर सूखी घास लगा रखी थी और तेज़ बारिश, ज़्यादा बारिश की वजह से ना वो घास में पानी भरा जिसकी वजह से वो भारी हो गया था और पेड़ उतना वजन नहीं उठा पाया, नहीं झेल पाया, इसलिए वो पूरा जड़ से उखड़ा। जहाँ जहाँ तक उसकी जड़ें थी वहाँ पर पूरे पत्थर उखड़े हुए हैं। माँ ने पेड़ की टहनियाँ काट के यहाँ पर रखी हुई हैं। गौशाला से मैं घर आ गई हूँ और अभी आ रखी हूँ अपने सगुड़े में, अपने प्याज की क्यारी में प्याज की गुड़ाई करने आ रखी हूँ। तो प्याज की गुड़ाई करती हूँ, यहाँ पर बहुत सारी खरपतवार घास वगैरह उगी हुई है उसको उखाड़ती हूँ। वेरी गुड। जब प्याज बड़ा हो जाएगा ना तो हमारे लिए भी रखना, ठीक है? धनिया भी और लहसुन भी। प्याज की गुड़ाई मैंने कर दी है और कुछ ऐसी कर रखी है। सू एक पत्थर ले जा रहा है कंधे में, कखले अणु दे रोड में यार, रोड में क्या कंधे को टन टन। 6 बज चुके हैं, मौसम बिल्कुल खराब हो गया है फिर से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देवभूमि उत्तराखंड।